उद्यापित होइजेछि सर्वभारतीय जनजाति लेखक सम्मेलनी भुवनेश्वर सोआ कैंपस टू कन्वेंशन हॉल रे दुई दिन धरी चलीला यह सम्मेलनी केन्द्र साहित्य एकेडमी और सोआ प्राचीन पक्षर आयोजित सम्मेलनी रे समग्र देशर 49 टी जनजाति भाषार 70 जन लेखक जोग देथिले। प्रत्येक अधिवेशन रे विभिन्न विषयवस्तु कविता पाठ और गल्प पाठ उपरे आलोचना करा जायथिला। सप्तम अधिवेशन रे प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इंटेलिजेंस लैंग्वेज उपरे वस्तु उपरे आलोचना करा जायथिला। इथरे विशिष्ट लेखक जगबंधु सामंत गौरांग चरण दास भाषा विशेषज्ञ संतोष कुमार रथ और जितेन्द्र भास्पा जोगदे आजिका समाज रे जनजाति साहित्य संस्कृति परंपरा प्रति युवपीढ़ी मध्य आग्रह सृष्टि करने दिगरे आलोचना करते। से हीपरी शेष तथा अष्टम अधिवेशन रे मल्टीलिंगुआल पोएट्री रीडिंग्स और विभिन्न जनजाति भाषार लेखक कवि जोगदे कविता और गल्प पाठ करने सह विभिन्न प्रसंग उपरे आलोकपात करते। केन्द्र साहित्य एकेडमी संपादक के श्रीनिवास राव सोआ प्राचीनर मुख्य तथा विशिष्ट कवि डॉक्टर गायत्री बाला पंडा स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन ज्योतिरंजन दास प्रमुख अभिभाषण रखिथिले। लोप पाउथबा ओ हजि जाउथबा जनजाति भाषार जो लिपि रहिछि ताकु नूतन युवपीढ़ी किपरि खोजि बाहर करिवे एहि सम्मेलनर मुख्य उद्देश्य रहिथिला। थिरे भारतर प्राय 49 जनजाति भाषार लेखक माने 70 जन लेखक जोग देथिले एवं एथिरे आमर कविता पाठ गल्प पाठ सहित विभिन्न पर्याय उपर विभिन्न प्रसंग उपर आलोकपात होला। सेथिरे मुख्य प्रसंग थिला युवपीढ़ी मानक प्रति केमिति आग्रह आम जन्मे पारिबा जो जनजाति साहित्य संस्कृति परंपरा दिनकु दिन लोप पाइबारे लागिछि हजि जिबारे लागिछि केमिति ताकु आम पुणी भविष्यत पई संग्रहण कर रखिपार। दुई दिन हरी जो सम्मेलन के हला आदिवासी लेखक मानक उपरे ये सम्मेलन होती भारत विभिन्न राष्ट्र आदिवासी लेखक मैंने आसिकर कविता गल्प जहाँ कि प्रबंध जहाँ कि पाठ कले गोटे सुंदर आयोजन है। भाषा ही आम निजक आत्मप्रकाश करूँ भाषा माध्यम ही आम मनीष मान मनीष होचु कहीं भाषार आलोक ही आम पृथ्वी को देखूँ एमती एक काल निज भाषा को ही सबुठ श्रेष्ठ बोली भाषा बोली भाविबा एवं अपर भाषा न शिखिबा एक बड़ विपद भारत परी एक बहुभाषी देश रे जो देश रे कि प्राय 1700 रु अधिक भाषा थिला एबे 122 टी भाषा सरकारी स्वीकृति पाई एवं केवल 22 टी भाषा आमर अष्टम अनुच्छेद रे रही संविधान रो। आज का जो प्रोग्राम है बहुत मतलब अच्छा हुआ अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ट्राइबल्स आते हैं इंडिया का हर जगह से तो उधर वो लोग को देख के वो लोग का कविताएँ जो होता है वो लोग वो भी देख के हम लोग कुछ सीख सकते हैं तो बहुत अच्छा लगा। जो 16 राज्यों से कम 55 भाषाओं की ट्राइबल भाषाओं के लोग इसमें भाग लिया है बहुत अच्छे तरह से दो दिन का एक कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है। बहुत नए नए भाषाओं को भी इसमें स्नान मिला और नए नए लोगों को भी इसमें बुलाया गया है और कुछ पब्लिकेशन भी लाने के लिए हम कोशिश करेंगे कुछ कि इसके अंदर कुछ लेखक ऐसा हमें पता गया है कि उनकी कविताओं के संकलन या कुछ और कहानियों के संकलन या फोक टेल्स के संकलन उन भाषाओं की कुछ है उनकी पुस्तक के रूप में भी आना चाहिए। हम जल्दी से जल्दी उनका भी कुछ वर्कशॉप की करके मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस में अनुवाद करके उनको छापने की कोशिश करेंगे।